तेरे सोई 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 अपने आप में खोई खोई। देखो ना देखो ना अब जाग रही है दुनिया से अपना हक मांग रही है। खाना जीने का जरिया बन रहा है एक नाम मिल रहा है कुछ अच्छा पक रहा है। हर किचन बदल रहा है, लगता है कुछ अच्छा पक रहा है। सक्सेस का सीक्रेट इंग्रेडिएंट किसी हाउसवाइफ की कुकबुक में मिलेगा सोचा था कभी? सोचा था कि जब वो सिंपल सी दाल में अपने सपनों का तड़का लगाएगी तो उसकी सक्सेस की महक कैसे पूरी दुनिया में फैल जाएगी। किस्मत में कुकिंग लिखवा कर लाने वाली ने जब कुकिंग को किस्मत तक पहुंचाया तब बदलाव की इस मैजिकल रेसिपी का जायका सारी दुनिया ने चखा। हर किचन बदल रहा है, सचमुच कुछ अच्छा पक रहा है। हाय रेणुका। ओ स्मिता, मैं अभी ये किताब पढ़ रही थी और मैं मतलब इसको ना नीचे रख ही नहीं सकती। मैं सब पढ़े जा रही हूँ। इट्स सो गुड। मुझे ना ऑटोग्राफ चाहिए तुम्हारा। पहले तो ऑटोग्राफ मैं बाद में कर लूंगी। हाँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ। ये क्या है? टपरी वर्षा गर्मा गर्म चाह। ओ क्या बात है, थैंक यू सो मच। थैंक यू स्मिता। आपके लिए फूड क्या है? नॉस्टैल्जिया है कि थेरेपी है? फॉर मी इट्स माई सेकेंड लाइफ एक्चुअली। ये फूड जर्नी तो हमारी सबकी बचपन में ही शुरू होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बिगनिंग। शुरुआत से शुरू करते हैं। चलो। तो आपकी जो पहली मेमोरी शायद अबाउट कुकिंग फूड? दादी वॉज अ फैबुलस कुक। मेरी माँ भी बहुत बहुत अच्छी कुक है, अमेजिंग कुक है। अच्छा, तो आप उनसे इंस्पायर होके आपकी कुकिंग जर्नी तभी शुरू हुई? Yes. थी बचपन में? हाँ, ही अच्छा बिल्कुल. आपने आपको हाँ, पसंद था खाना हाँ, बनाना मतलब हाँ. ये सिर्फ आप फूडी नहीं थी? नहीं, नहीं. और मम्मी यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी चलो बेटा ये बनाना लीव्स काट के दे दो। अच्छा हाँ, you know, for breakfast, right. और you know, some, हाँ, कुछ ना कुछ करने करने देती थी। उसके बाद में आप रेगुलरली कुकिंग करती रही और आपका इंटरेस्ट पनपने लगा कि हाउ डिड दैट हैपन? हमारे घर में सोशलाइजिंग बहुत होता था। अच्छा हाँ. हमारे घर पे ऐसे 15-20 जन डिनर के लिए तो एवरीवन हु यूज्ड टू कम यूज्ड टू लव मॉम्स फूड, यू नो। सो आई सेड चलो आई शुड ट्राई कुकिंग बिकॉज everyone praises mom, so probably मुझे भी कोई praise कर लेगा। ये एक ऐसी चीज है अपने मतलब जीवन से जुड़ी हुई चीज exactly. है ना? Yeah. तो उससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती। Yeah. You know, that's how I got involved into cooking, excited about cooking, interested in cooking. आई का हमेशा एक बात मैं कभी नहीं भूलूंगी कि a way through a man's heart is through his stomach. Actually, anybody's heart, but man तो definitely. And अभिनय being a foodie, it worked. Outstanding. ये कबाब स्मिता ने बनाया? जी सर। I knew it. I just knew it. से बेहतर कबाब और कोई बना ही नहीं सकता है। Melts like a... Hey bro. There's a lot to the menu यार। सिर्फ कबाब खा के पेट भरेगा क्या? No bro. I'm gonna eat everything. और वैसे भी कभी कभी तो स्मिता के हाथों का खाना खाने मिलता है। Not lucky as you are, जिसे रोज ऐसे लजीज पकवान खाने खाने को मिले। Of course, मिलने चाहिए। After all, बीवी है मेरी। तो इस लजीज खाने पे मेरा हक तो बनता है। Sure, I'm a big fan of yours. Thank you. So am I. एकदम ऐसे perfect life चल रही थी, उसके बाद में क्या हुआ?
आपकी जिंदगी में? आई हैव बीन अ पर्सन हु इज वेरी फन लविंग, जॉली, वाइवेशियस, फुल ऑफ एनर्जी. करेक्ट. माय डे वुड गो ब्यूटिफुली इन यू नो सबके लिए खाना बनाना, लुक आफ्टर एवरीवन, सिटिंग एंड टॉकिंग विद आई. बच्चे बड़े होने लग गए तो थोड़ा स्पेस का इशू भी होने लगा था. सो अभिनय सेड कि यू नो स्मिता लेट्स मूव आउट एंड लेट्स हैव अवर हाउस ऑफ आवर ओन. तो हम शिफ्ट कर गए एंड अ लॉट ऑफ लोनलीनेस क्रेप्ट इनसाइड. ओके. व्हाट हैपेंड वाज दैट शी फाउंड हरसेल्फ प्रीटी अलोन. And the reason is because suddenly from an environment where she's always been a part of a big, you know, family setup, we became a nuclear family. It became, you know, a small three people. And this three people, may I used to travel a lot. My son used to be in his own world because of his school and things like that. So that ended up isolating her a lot. That probably is what we can see today. Obviously, at that point, it was impossible to see it. But today, I can see that that ended up becoming probably a massive trigger, you know, her condition kicking in. That hollowness just ate me up. Or a lot of things started going wrong at that point of time. Okay. You know, I remember that day very well. It was 15th August 2007. I can never forget that day. सुबह मैं जल्दी उठी. अभिनय वाज लीविंग फॉर पोलाची और 15th अगस्त था उसका. सेलिब्रेशंस के लिए युग को स्कूल ले जाना था. बिल्कुल. तो हम तीनों जन घर से निकले. युग अभिनय को मैंने एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया. स्कूल गई. अटेंडेड द सेलिब्रेशंस ऑफ युग स्कूल. और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने युग को बोला, युग आई एम नॉट फीलिंग वेल. ओ was not feeling calm anywhere. My mind was all over the place. That got me into a little panic situation where I felt ki why am I not being able to go to the kitchen and even boil a cup of water for myself. My you know? God. Ye silsila almost for a month was going on. I just felt low, tired, fatigued. Achha. And nidhal jaisa. Haan, no energy nahi hai aise. And I just went off to sleep. Oh. Aur us din ka mujhe kuch bhi yaad nahi. Raat ko achanak 1:30 baje I was trembling. And I don't know why. I was just vomiting. अच्छा. और पता नहीं ऐसे एक चक्कर जैसा आ गया एंड आई जस्ट फेल डाउन. अच्छा. हाँ. एंड माय मेरा बेटा जो था वो सो रहा था, वो आवाज से उठ गया. अच्छा. दिस वाज अबाउट 4:30 इन द मॉर्निंग. ये होल ये सिलसिला चालू ही था. थ्रोइंग अप एंड ऑल दैट. ही कॉल्ड अप माय पेरेंट्स. और सुबह 5:30-6 बजे मम्मी डैडी आ गए. सिंह क्या हो रहा है सिंह? I don't know what is happening, but this is not usual. I'm trembling. There's something I'm fearing and I'm not figuring out. Kya ho raha hai? I was not feeling calm anywhere. My mind was all over the place. That got me into a little panic situation where I felt ki why am I not being able to go to the kitchen and even boil a cup of water for myself. Oh my god. Ye silsila almost for a month was going on. Okay. Aur that's for a very long time. I felt at that point of time that this is some psychiatric issue that I'm suffering. Acha matlab ye aapki samajh mein aa gaya tha ki mujhe kuch samajh mein aa raha tha ki this is not normal. Normal. क्योंकि जब हम थकते हैं या हमारे शरीर में कुछ बदलाव होता है वो हम समझ सकते हैं. Exactly. That, you know, you can go to a doctor, get your medicine and correct it. But ये कुछ ठीक नहीं हो रहा था. तो I knew of a friend who had gone to a psychiatrist. तो मैंने उससे वो psychiatrist का number लिया. And along with my dad, I went. Okay. तब वहाँ पे उन्होंने 3 दिन लगातार काफी सारे टेस्ट कराए. ओके. देन शी टोल्ड माय फादर आफ्टर 4 days दैट योर डॉटर इज सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड बाइपोलर. सो डॉक्टर ने उनको बताया कि आप चिंता मत करिए, मैं आपको कोई
दवाई लिख के देती हूँ, जस्ट पुट हर ऑन दिस पिल एंड विद इन सिक्स मंथ्स शी विल बी फाइन. ओके. बट यू नो समहाउ विद द मेडिकेशन और काउंसलिंग से भी आई वॉज नॉट फीलिंग बेटर. ओके. आई वॉज स्टिल डिटीरियोरेटिंग. तो अभी कंट्रोल आप किस तरह से कर रहे हैं, मतलब साइकाइट्रिस्ट के पास मेडिकेशन अभी भी जारी है? आई हैव अ फैंटास्टिक साइकाइट्रिस्ट, हिज नेम इज डॉक्टर विशाल सावंत. ओके. इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हिम आल्सो, फ्रॉम 2009 टू 2013 वाज अ लॉन्ग फेज आल्सो फॉर हिम टू वर्क ऑन मी. और उस दरमियान भी बहुत सारे लोज, आई यूज्ड टू गेट वायलेंट आल्सो. अच्छा. या I used to get very violent. I used to break things in my room. Really? Yeah, because the frustrations aa jati thi ki aaj normal lag raha hai, pata nahi kal uth ke kya ho jayega. You know, the next morning is like, oh, I'm trembling, yeah, I'm puking, or I'm feeling sick, or I'm manic, or I'm depressed. God. So it was like crazy thoughts in my head. You know? But bipolar disorder मतलब में दोनों extremes होते हैं. Yes, absolutely. Either you're manic. Yeah, manic मतलब उस stage में आप activity बहुत ज़्यादा होती है. या आपका confidence बढ़ता है. Anxiety levels भी बहुत बढ़ने लगती है. Anxiety भी, नींद भी नहीं आती कई बार. I have stayed awake for 48 hours, more than 48 hours at a stretch. Oh. Yeah. Doing nothing probably. But I have been awake. Yeah. I have to say one thing here. I have a very very close friend, brother, family to me, Javed Bhai and Habiba. That's Javed. Oh, Javed Jafri. Yeah. My bathroom and his kitchen is just up and down. हाँ, and तो आवाज़ें जाती होंगी. हाँ, तो एक गुस्से में मैंने कांच तोड़ी थी. And he was in the kitchen and he said, क्या टूट गया? हाँ. And he sent a staff up कि कुछ हुआ है तो मैं जाके देखता हूँ कि कुछ हुआ है कि नहीं. बिल्कुल. So his staff came upstairs और they asked my staff कि क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ टूट गया क्या? तो उन्होंने कहा, one of the girls said कि दीदी की तबीयत थोड़ी खराब है and she's in a little bad state and Javed came up immediately. Oh. And Habiba also. अच्छा. So Javed भाई, Habiba both came up and I remember both of them sitting with me and trying to talk to me and I was unconsolably crying. Oh, I was just crying and saying, I can't deal with this. I just can't deal with this. I'm fed up. I can't live anymore. I tried cutting my wrist. My? Yes, I have tried cutting my wrist with this. मैंने भी देखा नहीं था कि जब डिप्रेशन में आते हैं या आपको उस तरह के you go through that phase, severe depression, तो किस तरह से आदमी गुजरता है. मेरी फैमिली में हुआ नहीं था तो अभी ये शी इज लाइक अ फैमिली तो मुझे भी आई यूज्ड टू फील वेरी वरीड एंड कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं. मैं सोच रही थी मैं मेरे बेटे को वक्त नहीं दे सकती. आई एम नॉट अ सपोर्ट टू माय हस्बैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई वाज फीलिंग सो मिजरेबल अबाउट माय सेल्फ यू नो एंड आई सेड आई कांट एंड जाद भाई हबीबा सेड स्मिता यू नो व्हाट Have faith in God. Have faith in your doctor. It'll all get all right. And one day, I felt ki nahi, this has to change. You know. So I just decided that I have to turn everything around. And I went one day to Vishal. And I said, Vishal ko bola, Vishal, bas ho gaya. Abhi kuch, you know, I just want to get better once and for all. You know, you'll have to train me how to deal with this. And he said, ho jayega. Just relax. Slowly, she started kind of pulling herself out of it. And I think that somewhere, she mustered up a whole lot of courage and a whole lot of optimism and a, you know, positive attitude and started wanting to change. The minute you want to change, then you will find ways to change. And that's exactly what happened with her. ये जब psychiatrist के साथ आपकी counselling हो रही थी, तो कहीं ना कहीं क्या उन्होंने suggest आपको किया कि भाई आपके जो passions हैं या जिसमें आपको सबसे ज़्यादा interest है, वो दोबारा शुरू किया जाए या you know something like so, you. In these 5 years, विशाल के समझ में आया कि my life revolves around my house, my husband और my son. तभी उन्होंने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की इसकी स्मिता गेट अ लाइफ ऑफ योर ओन. मुझे वो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट डू मीन लाइफ ऑफ माय ओन. बिकॉज़ बाय देन ऑलमोस्ट 15 इयर्स ऑफ मैरिज वाज यू नो डन. एंड अभिनय काफी टाइम से मुझे कोक्स कर रहा था कि स्मिता व्हाई डोंट यू राइट अ कुक बुक. यू नो तुम्हें इतनी रेसिपीज आती हैं, तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो, तुम खुद रेसिपीज भी क्यूरेट करती हो, तुम क्यों नहीं कुक बुक लिखती. And then I said, let me document all the recipes that I had.
जब मैंने डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया, आई रियलाइज आई हैड 375 रेसिपीज, या व्हिच आई हैव डॉक्यूमेंटेड इवन, आई मीन राइट नाउ, ये इस किताब में तो 100 से भी ऊपर रेसिपीज हैं। फिर मैंने सोचा कि आई डोंट वांट टू हैव अ नॉर्मल कुक बुक, कि जस्ट रेसिपीज और फोटोग्राफ्स। तो मुझे ऐसा लगा कि व्हाई नॉट हैव माय चाइल्डहुड मेमोरीज इन इट। तो 3 साल लगे। अच्छा, हाँ 3 साल लगे टू राइट एवरीथिंग, यू नो। I started with doing a show called Get Curried. फिर उन्होंने मुझे मराठी शो भी ऑफर किया, which is called रुचकर मेजवानी। अच्छा। This whole thing has just changed my life. तीन साल लगे to write everything, you know. Yeah. So before the book released, the PR people who were handling the book launch, उन्होंने कहा कि हम एक पॉपअप लंच करते हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, फूड स्टाइलिस्ट, फूडीज, फूड एंथुजियास्ट सबको बुलाते हैं, वाह, एंड लेट्स हैव अ लवली पॉपअप फॉर देम। तो बांद्रा में वो जस्ट आयोजित किया, 3-4 days बिफोर माय बुक लॉन्च हमने वो आयोजित किया, where I met a lot of amazing people from the food industry. Achha, yeah, like Rushina Gildial, I met Shilpa Chawla, I met many to name. Rushina is a food consultant and she has a cook studio called APB Cook Studio. Achha. Jab she tasted my food, usko khana bahut pasand aaya, and she said, Smita, we have to do pop-ups with you. Oh, toh uske studio mein, I was doing pop-ups. With her. तो मतलब बुक के जरिए आपका फिर से नाता कुकिंग से जुड़ से जुड़ गया था। Oh. Yeah. शिल्पा is a very renowned blogger and उसने कहा, स्मिता, you have a nice screen presence. Why don't you just do some YouTube videos? और finally we came up with doing a show on regional food. Wow. Yeah. And then suddenly that whole excitement of regional cooking, creating recipes, seeing different things started making me feel happy, excited, you know, looking forward. अच्छा मुझे कल ये भी करना है, वो भी करना है, you know. So again my writing started, my to-do list started coming up. Lovely, lovely. And then I started with doing a show called Get Curried. And then बहुत popular show है Get Curried, right? फिर उन्होंने मुझे मराठी शो भी ऑफर किया, which is called रुचकर मेजवानी. अच्छा. So I started doing that as well. And it's this whole thing has just changed my life. क्या बात all over है? Again. मतलब turning point book has been उसके food. बाद food. Food. And it is totally a fairy tale life again for me. And I'm very happy. That's I'm very fantastic. Happy. Yeah. तो अगर हमारी किचन आइडल स्मिता की तरह आपके किचन में भी स्वाद के साथ हौसले पक रहे हैं, तो आप भी अपनी किचन जर्नी मुझसे शेयर कर सकते हैं मैगी के FB पेज और ट्विटर हैंडल बार यूजिंग #cookthedifference कुक द डिफरेंस। आपके हौसले को बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक सल्यूट हमारी you. तरफ से Thank और इस प्रेरणा के लिए आप एक किचन आइडल हो ही हम सब की, और उसके लिए मैगी और मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहते हैं एक छोटे से उपहार के साथ। Oh, that's so sweet. एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन है कि आप यहाँ पर आई, लेकिन अब खत्म नहीं हुआ, मैं आपको जाने नहीं दूंगी क्योंकि आपने इतनी सारी जिंदगियां चेंज किए, इतना सारा अच्छा अच्छा सिखाया है लोगों को, तो आप एक पर्सनल लेसन मुझे भी दे दीजिए ना। श्योरली जाए किचन की तरफ। तो स्मिता मुझे बताइए कि आज क्या अच्छा पकने वाला है? आज हम एक very interesting curry let's make the raw mango curry. Wow, kachi curry. Yeah, so take 3 tablespoons of coconut oil aur usko heat karne dena. Now you can add the hing, rye 1 teaspoon, few curry leaves. Okay, and now you add the marinated mangoes. Mujhe ye spluttering ki jo awaaz hai na wo itni achhi lagti hai na. I know music in the kitchen. Yes, absolutely. और उसकी तड़के की जो सुगंध है। And now let's cover it and cook it for 2 to 3 minutes, not much. All right. So to make
this raw mango curry. Mm-hmm. I'm going to use an amazing product, which is the coconut milk powder from Maggi. Now you dal do. Add this. जैसे स्मिता ने YouTube के जरिए इतने सारे लोगों को खाना बनाना सिखाया है और आप में से कई ऐसे होंगे जो खाना बहुत अच्छे से पकाते होंगे और जो YouTube के जरिए इसको बिजनेस में अगर कन्वर्ट करना है तो उसकी स्किल आपके पास शायद नहीं हो और आपको ऐसा करना हो तो आपको जाना चाहिए www.maggi.in पर. उसमें आपको वो सारी चीज़ें सिखाई दी जाएंगी जिसके ज़रिए आप अपने जो YouTube के वीडियोस हैं उनको और भी ऑडियंस तक पहुंचा सकें. मैं तो टेस्ट करने के लिए बेताब हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ना मेरे पोलरॉइड से एक तस्वीर खींचती हूँ. Oh, wow. आप प्लेट पकड़िए. द मेकर एंड द वंडरफुल डिश. Fantastic. Loved it. It's spicy yeah, enough for Rana also. Very much. अच्छा balance है, बहुत अच्छा balance है. Thank you so much. Thank you very much. हमारी Maggi Kitchen Journey कुछ अच्छा पक रहा है का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जाने से पहले ये जो हमारी Maggi के किचन आइडियाज की हाँ वॉल है ना उस पर आपको एक साइन ऑटोग्राफ. ओके, आई एम फीलिंग गुड नाउ. Maggi और मेरी तरफ से आपके लिए ये खास. ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच. और आपके लिए खास एक कस्टमाइज्ड जिलेटो मेकर भी Maggi की तरफ से गिफ्ट होगा, जिससे आप तरह तरह के आइसक्रीम बना सकती हैं और मुझे भी बुला सकती हैं, बिकॉज़ आई लव आइसक्रीम. ऑफ कोर्स. थैंक यू सो मच. अगले हफ्ते Maggi किचन जर्नीज में मिलिए शेफ और एंटरप्रेन्योर कैनाज मेसमन से, जिनकी पैशन फॉर कुकिंग ने चैलेंज किया एक सिवियर फिजिकल इंजरी को और जिनकी नेवर से डाई स्पिरिट ने दिया हमें मुंबई का सबसे पसंदीदा पातिसरी थियो ब्रोमा.